गुजरात में बीजेपी को मिली प्रचंड जीत के बाद मध्य प्रदेश के बीजेपी कार्यालय में जीत का जश्न मनाया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी बीजेपी कार्यालय में मौजूद रहे। उन्होंने संगठन के पदाधिकारियों के साथ साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी। क्या हुआ मनोज? मिठाई। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की भव्य जीत के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बयान देते हुए कहा कि गुजरात की विजय विजय नहीं महाविजय है, अभूतपूर्व है। ये केवल महाविजय नहीं है, माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के प्रति श्रद्धा विश्वास और स्नेह का प्रकटीकरण हुआ है। वहीं कांग्रेस पर तंज कसते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि बाद में उनको कांग्रेस खोजो यात्रा करनी पड़े। लोगों के चेहरों से प्रकट होता था, बोलते समय जो भाव लोगों के देखते थे उस भाव से भी यही प्रकट होता था कि लोग भारतीय जनता पार्टी के। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंदसौर पहुंचे और मंदसौर के गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर सीएम शिवराज ने मंदसौर के महाराजा यशोद धर्मन की प्रतिमा का अनावरण किया, साथ ही पुस्तक दिव्य दशपुर का विमोचन भी किया। इस दौरान सीएम शिवराज ने कहा कि मंदसौर अद्भुत है, भगवान श्री पशुपतिनाथ एक तो नेपाल में और दूसरे यहाँ विराजते हैं। ये वो शहर है जहाँ महान सम्राट राजा यशोद धर्मन ने हूड़ो को धूल चटाई थी। गुजरात विधानसभा चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गुजरात की विजय विजय नहीं महाविजय है, अभूतपूर्व है। ये केवल पीएम मोदी के प्रति गुजरात के लोगों का श्रद्धा विश्वास और स्नेह है। गुजरात की जनता पीएम मोदी के प्रति असीम श्रद्धा रखती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने जो विकास को गुजरात मॉडल के रूप में दिया वो देश और दुनिया को कई मायनों में दिशा दिखा रहा है। गुजरात की जनता के प्रति हृदय से आभार, विशेषकर प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के साथ धन्यवाद। ये हमने तब भी कहा था कि जनता का एक तरफा प्यार और विश्वास मोदी जी के प्रति था,